हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का एक टॉपिक है और दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 27:9 प्रोपोर्शनल 64:व्हाट। यहाँ क्या आएगा दोस्तों? ये हैं आपके चार ऑप्शन। देखिए, जो रिलेशन इन दोनों में बनेगा वही यहाँ पर रिलेशन बनेगा। और दोस्तों, हमने ऐसे भी वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने आपको बताया, यदि इन दोनों का रिलेशन नहीं बनता है तो आप इसका रिलेशन इससे बनाकर देखेंगे, यदि इससे भी नहीं बनेगा तो यहाँ जो संख्या होगी आप उससे बनाकर देखेंगे, वो भी नहीं बनेगा तो आप इसका इससे बनाकर देख सकते हैं और इसका इससे बनाकर देख सकते हैं। आपको दो संख्याओं के बीच में संबंध बनाना होता है नंबर एनालॉजी में। तो दोस्तों, वही यहाँ पर देखेंगे हम। यहाँ पर दिया गया है आपको 27:9 में क्या रिलेशन बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है 27, तो 27 होता है आपका 3 का आप क्यू करेंगे तो आपको 27 मिल जाएगा, और 9 के लिए आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है आपका 3 का स्क्वायर और ये है आपका 3 का क्यूब। वही आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 64 को आप देखेंगे तो ये होता है आपका 4 का क्यूब होता है 64। और यहाँ पर आप चेक करेंगे, जब यहाँ पर क्यू आया, यहाँ पर स्क्वायर आया, तो यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर भी आपका स्क्वायर रहेगा, मतलब 4 का स्क्वायर रहेगा 16। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो क्यूब से रिलेटिव, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। और नंबर एनालॉजी के हमने और भी वीडियो बनाए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 3:27 प्रोपोर्शनल 5:व्हाट। यहाँ पर क्या आएगा? अब आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर 3 में और 27 में क्या रिलेशन है? यदि आप 3 का क्यूब करेंगे तो वही आपको 27 मिल जाएगा पहले की तरह, और यहाँ पर भी आप 5 का क्यूब कर देंगे तो आपको 125 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्यूब से रिलेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनकी आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8:20 प्रोपोर्शनल 14:व्हाट। यहाँ क्या आएगा? और ये हैं आपके चार ऑप्शन। दोस्तों, इसमें क्या पैटर्न लग रहा है? देखिए, यहाँ पर दिया गया है 8 और यहाँ दिया गया है आपको 20, तो 8 का 20 से कैसे बनेगा रिलेशन? देखिए, यदि आप 8 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे और उसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो होता है 40, और जब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 20। वही आप यहाँ पर कीजिए, देखिए 14 का मल्टीप्लाई कीजिए 5 से और उसे डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 14 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो होता है 70, इन दोनों का मल्टी और उससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है। तो ये पैटर्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा मेथड इस्तेमाल हो सकता है क्वेश्चन में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर एनालॉजी की प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5:5:30:25 प्रोपोर्शनल 11:0:। यहाँ क्या आएगा? और आपके जितने भी ऑप्शन हैं दोस्तों सभी पॉइंट में दिए हुए हैं, तो इसमें क्या रिलेशन है? देखिए, आप 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको सिंपली मिल जाता है 30.25, जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो इनका रिलेशन बन गया। तो इसका भी आप स्क्वायर करिए, 11.0 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 121.00। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इसे चेक करेंगे तो 11 दिया गया है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 7:50 प्रोपोर्शनल 17:व्हाट। यहाँ क्या आएगा? देखिए, आप इसको 7 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस उसमें 1 कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 7 का स्क्वायर होता है 49 और प्लस 1 कर देंगे तो होता है आपका 50, तो इन दोनों का रिलेशन बन गया। वही यहाँ पर कीजिए, 17 का करिए स्क्वायर और उसमें कर दिए प्लस 1, तो 17 का आप स्क्वायर करेंगे तो होता है 289, 289 होता है, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो 290, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो नंबर एनालॉजी में दोस्तों क्यूब याद होना और स्क्वायर याद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्यूब और स्क्वायर से हम बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को फाइंड कर लेते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12:90 प्रोपोर्शनल 16:व्हाट। यहाँ क्या आएगा? और दोस्तों, ये हैं आपके चार ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, ना ही स्क्वायर लग रहा है, ना ही क्यूब लग रहा है, और क्यूब करने के बाद भी ना ही प्लस 2 करके, ना ही 5 करके आपका आंसर यहाँ पर बन पा रहा है। तो इसमें क्या ट्रिक लगेगा? देखिए, यहाँ पर दिया गया आपको 12, तो आप यहाँ पर लिखिए 12। अब आप 12 के कीजिए फैक्टर, देखिए आप 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या होता है? 16 × 2 होता है, तो 6 × 2 = 12 हो जाता है। वैसे ही आप 9 के फैक्टर कीजिए, 90 के, तो इसके भी 6 से ही करने आएंगे आपको, तो 6 से के तो 6 × 15 आपका 90 हो जाएगा, मतलब 6 × 2 = 12, और 6 का करेंगे 15 में तो 19 हो जाएगा। तो 6 का हो रहा है दोनों में, वैसे ही सेम यहाँ पर करना होगा। देखिए, यहाँ पर दिया गया आपको 16, 16 का आप किससे करेंगे? देखिए 8 से करिए, 2 में, तो 8 × 2 = 16 होता है। अब
देखिए यहाँ का 6 का 2 से हो रहा है, यहाँ पर भी 8 का 2 से हो रहा है, यहाँ 6 का 15 से होगा तो यहाँ पे भी 8 का 15 से होगा, मतलब 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से तो आपका आंसर आ जाएगा 15 8 होता है दोस्तों 120। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो नंबर एनालॉजी के इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।